हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक ट्यूटोरियल और आप हैं हुसैन सर के साथ। दोस्तों आज हम जो टैग पढ़ेंगे उसका नाम है डीडी। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। डीडी टैग होता क्या है? डीडी टैग किसी पर्टिकुलर नाम के नाम को डिस्क्राइब करने के लिए, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हम डीडी का इस्तेमाल करते हैं। और जो नाम लिखा जाता है वो डीटी से लिखा जाता है। ये टैग बाद में पढ़ेंगे डीटी से। और उसको पूरी लिस्ट को जो हम तैयार करते हैं वो डीएल में तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। तो आइए करते हैं डीडी टैग का प्रैक्टिकल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं डीडी को। देखो DL के अंदर बनता है, तो हमने बनाया DL और DL के अंदर हमने बनाएंगे हम यहाँ पर DT और DT में हम लिखेंगे हमने लिख दिया कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर फिर इसकी डेफिनेशन। ये एक वर्ड हो गया और इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो हम लिखेंगे डीडी में और डीडी के अंदर लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये हमने लिखा और हमने फिर इसके बाद डीएल के अंदर ही हमने फिर से एक और डीटी बनाया डीटी और डीटी के बाद हमने यहां पर लिख दिया हुसैन सर और हमने यहां पर फिर इसकी इनकी डेफिनेशन लिखी। तो डीडी हमने लिखा और डीडी के अंदर लिख दिया ही इज़ अ टीचर। हमने ये लिख दिया और यहाँ पर ये देखिए हमने पहले DL के अंदर DT और DD लगाया। ये तो हो गया कि हेडिंग टाइप जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं और डेफिनेशन हम DD में लिखते हैं। तो हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेडिंग्स टाइप का ये आ गया ऊपर और देखो इसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दी गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था DD टैग। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अब हम और अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे नए टैग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।